सभी गाइज को एक बार न्यू अर्निंग शानदार प्लेटफॉर्म में वेलकम बैक, और सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और सही तरीके से वर्क कर रहे होंगे, और अपने रेस्ट मोड यानी कि हॉलीडे का सही तरीके से बेनिफिट और फ़ायदा उठा रहे होंगे। और आज एक बार फिर मैं दोबारा लाइव हूँ, और इस एम के थ्रू कि शानदार बिजनेस प्लान, पार्ट टाइम, फुल टाइम और जो भी एप्लीकेशंस मैं सेंड करता हूँ उसके रिगार्डिंग आपको न्यू अपडेट देना चाहता हूँ। बहुत सारे यूजर्स का मैसेज भी आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रहे हैं और रिप्लाई भी आ रहे हैं like666 का। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं प्रमोट करने वाला प्लान like666 है, और बहुत अच्छा शानदार प्लान जा रहा है और लोग लीगल तरीके से वर्क कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको like666 में अपडेट देना चाहता हूँ, और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो नए यूजर्स हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा like666 का। न्यू यूजर्स हो ज्वाइन कर लेना, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन अपडेट होता है, चाहे वो न्यू लूट ऑफ और महा लूट ऑफ और पार्ट टाइम फुल टाइम या वेबसाइट एपी के लिंक, तो सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो वीडियो को स्किप किए हुए बिना स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे क्वेरीज थे आ रहे हैं तो मुझे लास्ट मोमेंट पे एक वीडियो बनाना ही पड़ रहा है, और इस वीडियो में मैं पूरा पूरा फुल अपडेट कर दूंगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि like666 में विड्रॉ के रिकॉर्डिंग्स लास्ट, अगर हम मंडे की बात करें, आज मंडे है, इसके पहले मंडे की बात करें तो मंडे में इतना विड्रॉ लग गया है कि कंपनी को थोड़ा सा चेक करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसके कारण से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे तक बहुत सारे यूजर्स के पेमेंट्स जो है क्लियर्स नहीं हो पाए हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि कंपनी फेक है, ये वो ऐसा सब। उसके बाद फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे एंड मंडे लगातार 3 दिन हॉलीडे हो गया है, जिसके कारण से पे आउट्स बहुत सारे यूजर्स के रिलीज नहीं हो पाए हैं। तो जिनके नहीं रिलीज हुए हैं वो उनके भी पेमेंट रिलीज हो जाएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है कि डे बाय डे अपना टास्क कंप्लीट करिए, और जिन्होंने पेमेंट्स लगा रखा है, ठीक है, पेमेंट्स अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के like666 में लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विस का, सर्विस पे क्लिक करना तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक टेलीग्राम और एक व्हाट्सअप पर। तो कंपनी को आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर दोनों पर पर्सनल मैसेज करना है, राइट, बिल्कुल पर्सनल मैसेज करना है, और पर्सनल मैसेज करके और अपना आपने जो पेमेंट्स प्रूफ लगा, पेमेंट लगा रखा है और अनपेड शो हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पे अपलोड कर देना है, और उनको ये कहना कि भाई इतने दिन हो गया पेमेंट्स लगाए, अभी तक मेरा पेमेंट्स क्लियर नहीं हुआ, एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जब भी पॉसिबल हो तो पेमेंट्स आप मेरा क्लियर कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात है रिकॉर्डिंग्स UPI का, बहुत सारे यूजर्स हैं जो जिनके पास UPI नहीं है, तो मैं एक UPI बनाने के एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपको कहीं पर UPI का ऑप्शन आता है तो जो आपकी ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी जैसे मेरी ईमेल आईडी है kamr.santosh444@gmail.com, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जहाँ तक ऐट द रेट है वहाँ तक रखना है, उसके बाद का काट के उसके बाद का जो है हमें ईमेल आईडी को रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद जैसे जहाँ पे ऐट द रेट है वहाँ तक अब हमें लिखना है, जैसे kamr.santosh उसके बाद 444@, ठीक है, ऐट द रेट तक आप लिखोगे, टाइपिंग करोगे UPI में, और वहाँ पे एक डैश का ऑप्शन लगाओगे पड़ी लकीर वाला, और उसके बाद ओके करना। ओके करने के बाद बैंक का नाम, जो भी आपके बैंक का नाम हो, जैसे इलाहाबाद बैंक है, PNB लिख देना, HDFC है, ठीक है, जो भी बैंक का नाम है वो लिख के उसके बाद UPI सबमिट कर। तो एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि UPI बनाने के लिए जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी को आपको ऐट द रेट तक लिखना है, उसके बाद ओके डैश करना, ओके करना, उसके बाद बैंक नेम लिख के UPI आप सेट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, और बाकी आपका जो पेमेंट्स है टाइम टू टाइम, वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप क्लियर होते रहेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे इशूज भी आए हैं, जैसा कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दिखा देता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के लिंक्स में बहुत सारे इशूज आते हैं, और साइड में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पेमेंट्स प्रूफ भी दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे यूज कहते हैं कि देखिए यहाँ पे पेमेंट्स प्रूफ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, फेक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे मैसेज भी आए हैं कि कंपनी जो है पेमेंट्स नहीं दे रही है, पेमेंट्स दे रही है ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पे आया है UPI में क्या डालो, तो इनको भी मैंने मैसेज किया है
कि इस तरीके से आप यूपीआई बना के मैसेज कर सकते हो। और रही बात अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो आपके पास यूपीआई होना ज़रूरी है। या दूसरी बात है, आप पेमेंट बैंक भी ओपन कर सकते हो आधार कार्ड और पैन कार्ड से केवाईसी करवा के ऑनलाइन, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा अपडेट, बाकी सभी लोग अपने पेशेंस के साथ वर्क करते रहिए और मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। और अपडेट देने से ही आपकी पेशेंस, आपकी उम्मीद बढ़ती रहती है और उसके साथ साथ आप वर्क करते रहिए। और अपना विड्रॉ लगाया है जो अपने आपको 100% विड्रॉ मिलेगा, नो प्रॉब्लम्स। और जिनका विड्रॉ नहीं लग रहा है तो आप इस तरीके से अपना यूपीआई सेट करके विड्रॉ लगा सकते हो और डे बाय डे अपना टास्क कंप्लीट करिए। और सभी यूजर्स, एक चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट बातें जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, हाँ, बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि अपने एक फ़ोन में आप मल्टीपल आईडी बना सकते हो, एक से ज़्यादा आईडी बना सकते हो। डियर मेंबर्स, डियर लीडर्स, इस बात के लिए आप ध्यान दें, अगर आप एक से ज़्यादा आईडी बनाते हो, बार बार उसको एग्जिट लॉगिन करके करते हो, तो उसमें से आपकी आईडी जो है ब्लॉक होने की चांसेस 99% होते हैं। इसलिए कोशिश करना, अगर आपने एक आईडी बनाया तो एक ही आईडी से आप वर्क करिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक। और एक फ़ोन में एक ही आईडी यूज करिए, एक फ़ोन में मल्टीपल आईडी मत चलाइए, नहीं तो आपकी आईडी जो है ब्लॉक हो जाएगी और फिर कस्टमर केयर को आपको बार बार मैसेज करना पड़ेगा, मेरे ये एरर बता रही, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि ये न्यू ट्रिक्स है, इस तरीके से आप कर सकते हो ये वो, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप मल्टीपल आईडी बनाओगे तो कंपनी के पास उसका रिपोर्टिंग जाएगा और कंपनी जो है आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगी। तो एक फ़ोन के डिवाइस में और एक नंबर से आप एक ही आईडी बनाइए और उसको लॉन्ग टर्म तक यूटिलाइज करिए। कंपनी डेली का आपको सेल्फ इनकम 24 रुपीज़ दे रही है और मिनिमम 100 रुपीज़ पे विड्रॉ है फर्स्ट पे आउट। तो विड्रॉ कीजिए, क्लियर करिए और डे बाई डे आप वर्क करते रहिए, ठीक है। और इस तरीके से आप वर्क करते रहोगे और टीम्स बनाते रहोगे, टीम्स को प्रमोट करते रहोगे, तो टाइम टू टाइम आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिलता रहेगा। बाकी आप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहीं पे अपडेट डे बाय डे आपको न्यू अर्निंग प्लेटफॉर्म के कुछ ना कुछ आपको डेली मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके एक छोटा सा अपडेट था, इस बात को ध्यान रखिए और सही तरीके से वीडियो को फॉलो करिए, केयर करिए और सही तरीके से वर्क करिए। प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।